इनसे मिलिए, ये है चिंतामणि कुंडू। ये छोटे से छोटे हर एक चीज को लेके हमेशा बहुत ज्यादा वरीड रहते थे। सबकॉन्शियसली ये सोचते थे कि इनफ वरी करके शायद वो उनके साथ कुछ बुरा होने से रोक सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये था, कुछ बुरा होने से रोकने के बदले उल्टा वरी इनके सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर रही थी। बहुत ज्यादा वरी करने की वजह से इनके अंदर कॉन्टिन्यूसली हाई एंजाइटी फीलिंग पैदा हो रही थी, जिससे दिन ब दिन वो फिजिकली और भी बीमार हो रहे थे। क्रॉनिक वरिंग उनके लाइफस्टाइल, स्लीप, रिलेशनशिप, इवन जॉब परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद ये हमेशा बहुत ज्यादा वरीड रहने की प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए चिंतामणि ने सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इन सब चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल ही एक गलत तरीका था। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने उनको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग पढ़ने के लिए सजेस्ट किया, और चिंतामणि को इस बुक में से वरी से सही तरीके से लड़ने के लिए कुछ कमाल के स्मार्ट आइडियाज मिले। इनमें से पहला स्मार्ट आइडिया था कीप योरसेल्फ बिजी। चिंतामणि को इस बुक से पता चला कि ह्यूमन ब्रेन एट ए टाइम दो अलग चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। मेसी के बारे में सोचते वक्त एट ए टाइम कोई रोनाल्डो के बारे में एक साथ नहीं सोच सकता। एक ही मोमेंट पे या तो मेसी के बारे में सोचना होगा या फिर रोनाल्डो के बारे में। तो चिंतामणि ने आइडिया निकाला, अगर वो जिस काम से प्यार करते हैं उस काम को लेके बिजी रहे, उस बारे में ही सोचते रहे, तो वो एक साथ किसी दूसरे चीज को लेके वरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अगले ही दिन इस आइडिया को अप्लाई किया और उनके 25% वरीज आनी ही बंद हो गई। अब दूसरा स्मार्ट आइडिया जो चिंतामणि को मिला था वो है एक्सेप्टिंग द वर्स्ट, मतलब बुरे से बुरा जो हो सकता है उसे पहले से ही मेंटली एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद कैसे उस वर्स्ट को थोड़ा सा भी ज्यादा बेटर किया जा सकता है उसके लिए रास्ते ढूंढ निकाल के स्टेप्स लेना। तो एक दिन ऐसा हुआ, अगले दिन सुबह चिंतामणि को बहुत लोगों के सामने एक स्पीच देना था और वो इसको लेके बहुत ज्यादा वरी कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे में वरी से लड़ने के लिए इस स्मार्ट आइडिया को अप्लाई किया। चिंतामणि ने सोचा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, शायद वो स्पीच देते देते बीच में अटक जाएंगे तो उससे उन्हें फांसी तो नहीं लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई एक बंदा होगा जो अपने मन में उनको बेवकूफ कहेगा। जैसे ही चिंतामणि ने यह समझ लिया कि वर्स्ट क्या हो सकता है और उसे पहले से ही मेंटली एक्सेप्ट भी कर लिया, उनके वरीज ऑलमोस्ट 50% कम हो गए। थर्ड स्मार्ट आइडिया था अप्लाइंग द लॉ ऑफ एवरेज, मतलब कोई चीज जिससे लेके बहुत ज्यादा वरी हो रहा है वो घटना घटने की पॉसिबिलिटी क्या है वो समझ लेना। जब चिंतामणि जी पहली बार एरोप्लेन में ट्रेवल करने के लिए गए थे तो प्लेन में उठने से पहले उनके अंदर एक अजीब सा डर आने लगा कि अगर ये प्लेन क्रैश हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा। लिटरली चिंतामणि जी इतना ज्यादा वरीड होने लगे कि उनके तबीयत भी खराब होने लगा। फिर उनको ये वाला स्मार्ट आइडिया याद आया, वो गूगल पे गए और सिंपल सी एक सर्च की, परसेंटेज ऑफ हाउ मेनी पीपल डाई इन प्लेन क्रैश। गूगल ने जवाब दिया, ओनली 1 out of 11 million पीपल डाई इन प्लेन क्रैश। जैसे ही उन्हें यह पता चला उनके तबीयत धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। अब लास्ट एंड फोर्थ स्मार्ट आइडिया था पुटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब एक एग्जैक्ट डेट फिक्स कर लेना, तब तक अगर किसी चीज में लॉस भी हो रहा है तो उसे कंटिन्यू रखना, उसके बाद भी अगर लॉस हो रहा है तो बंद करना। पहले जब भी चिंतामणि जी कुछ नया करने जाते थे उन्हें बहुत फिकर होता था कि अगर इसमें उनका कुछ लॉस हो गया तो तब क्या होगा, और ये सब सोच के वो ज्यादातर नए काम को शुरू ही नहीं कर पाते थे। लेकिन इस फोर्थ स्मार्ट आइडिया को अप्लाई करके उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। अब जब भी कुछ नया करने से पहले उन्हें लॉस होने का डाउट होने लगता है वो एक ऐसे एग्जैक्ट डेट को माइंड में फिक्स कर लेते हैं जब तक अगर लॉस भी होंगे तो वो अफोर्ड कर पाएंगे, और उस दिन तक बिना प्रॉफिट या लॉस पे ध्यान दिए बस उस काम को ध्यान से करते रहते हैं, और फिर उस डेट के आने के बाद जाके एनालाइज करते हैं कि उन्हें अल्टीमेटली लॉस हुआ या प्रॉफिट, और फिर उस हिसाब से डिसीशन लेते हैं। डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से इन स्मार्ट आइडियाज को सीखने के बाद चिंतामणि जी भी धीरे धीरे खुश मनी में बदल गए। अगर आप भी चिंतामणि की तरह चिंतामणि से बदल के खुश मनी बनना चाहते हो
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से सिर्फ अराउंड 120 रुपीज में इस बुक को खरीद सकते हो। अगला वीडियो अगले वेडनेसडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।